नेक्स्ट क्वेश्चन 2002 में और 2000 और 1982 में सवाल पूछा हुआ है हमसे क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ सेटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर इज टी द पीरियड ऑफ अनदर सेटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस फोर आर विल बी हमारे ऑप्शन है फोर टी टी बाय फोर एट टी आर टी बाई एट हाँ नहीं सिंपल सवाल है डायरेक्ट कैपलर लॉ हम यूज़ करेंगे यहाँ पे सो कैपलर लॉ सिचुएशन ये है कि एक आपका प्लानेट है और ये आपका दूसरा प्लानट है इस प्लानट को यह आपका अर्थ मान लीजिए इस प्लानट का रेडियस आर है और दूसरा प्लानट है उसका रेडियस फोर आर है नाओ यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि जो आर का रेडियस है उस पर जो आपका प्लानट के अबाउट सेटेलाइट घूम रहा है उसका टाइम पीरियड टी है दूसरा सैटेलाइट जो यहाँ पे घूम रहा है इसका टी टू वो कितना होएगा टी वन इसका टाइम पीरियड टी है सो so, केपलस का लॉ जो है वो बड़ा सिंपल है वो कहता है के टी स्क्वायर इज़ प्रपोर्शनल टू आर क्यूब तो हम यहाँ लिख सकते हैं टी टू का स्क्वायर डिवाइड बाई टी वन का स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर टू का क्यूब डिवाइडेड बाय आर वन का क्यूब इसमें अगर हम डेटा रख दें तो हम कह है सकते हैं कि टी टू स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर टू डिवाइड बाई आर वन का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई टी वन का स्क्वायर दोनों तरफ अगर हम अंडर रूट ले लें आर टू की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे फोर फोर आर डिवाइड बाय आर आर कैंसल हो जाएगा सो दिस फोर सो टी टू विल बी इक्वल टू फोर टू दावर थ्री बाई टू टी फोर का अगर हम पहले अंडर रूट ले लें सो इट विल क्यूब कर दें तो इट विल बी एट सो अपना आंसर हो गया फाइनल एट टी सो बेज ऑन दिस हम कह है सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी एट टी विल बी द राइट आंसर